हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड वर्कबुक अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8वीं का जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, मीन्स अंग्रेजी, उसका आपका जो 11 चैप्टर है, लेशन 11, सेव वाटर सेव लाइफ, ये आपका जो इंग्लिश का 11 वाला जो है आपका 11 लेशन है। सो इस वीडियो में इसके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, साथ ही साथ इससे पहले के सभी चैप्टर के सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। सो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको सभी जो है इससे पहले के आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन सर आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको बोला गया है, जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू वर्ड्स। आपको एक और दो वर्ड में सबसे पहले इनके आंसर देना है। क्वेश्चन यहाँ पर उनके दिए गए क्वेश्चन आपको राइट वन वर्ड अ बिग वॉल अक्रॉस द रिवर। इसके लिए आपको वन वर्ड लिखना है, अ बिग वॉल अक्रॉस द रिवर। तो इसका आंसर आपको वन वर्ड में लिखना है, डेम। डेम इसका राइट आंसर आपका होगा। इसके बाद सेकेंड है बच्चों, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में आपको ये यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है, ले नेहा लिव्स इन भोपाल। तो इसको आपको सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है। तो दोस्तों आपको आंसर लिखना है, नेहा लिव्ड इन भोपाल। ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज आपका जो पास्ट टेंस रहता है उसमें जो क्रिया जो है सेकेंड फॉर्म में आ जाती है, तो यहाँ आपको लिव्ड कर देना है। ये इसका राइट आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। इसके बाद देखिए आपका थर्ड है कि वेयर डू वी गेट वाटर फॉर इरीगेशन। तो आपको देखिए आप सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेते हैं, तो आंसर लिखना है बच्चों, पॉन्ड्स एंड रिवर्स। इसका मतलब तालाब और नदियाँ। इस तरीके से आपको इसका आंसर पूरा लिखना है। इसके बाद देखिए आगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बोला गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और थ्री सेंटेंस। आपको तीन और एक या फिर तीन सेंटेंस में इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर फोर है, वाई आर वी फेसिंग द स्कैरिटी ऑफ वाटर। तो बच्चों इसका आंसर आपको लिखना है, वी सी स्कैरिटी ऑफ वाटर ग्रोइंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर विच इज़ एडवर्सली अफेक्टिंग द एक बार हो गया इसको द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। इस तरीके से आपको ये पूरा आंसर लिख लेना है। वीडियो को रोककर आप पूरा आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फाइव है कि चेंज द वर्ब्स फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। आपको सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में आपको ये वर्ब को चेंज करनी है, मोटिवेटेड एम्पिटी ड्राई क्लीन। ये आपको यहाँ पर वर्ड दिए हुए हैं, तो इनको आपको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो देखिए मोटिवेट सबसे पहला है, तो इसका आपका सिंपल पास्ट हो जाएगा मोटिवेटेड। एम्पिटी है तो इसका हो जाएगा बच्चों एम्पिटाइड। ड्राई है तो बच्चों इसका हो जाएगा ड्राइड। और क्लीन है तो इसको हो जाएगा क्लीन्ड। इस तरीके से आपको ये पूरा एक सामने इनके लिख लेना है, ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को रोककर बच्चों आंसर आपको लिखना है। इसके बाद देखिए आगे आगे आपका छठवां क्वेश्चन है कि विच इंपॉर्टेंट इश्यू हैज बीन राइज्ड इन दिस लेशन। तो इसमें जो है इस लेशन में कौन से इंपॉर्टेंट इश्यू को जो है राइज्ड में सामने रखा गया है, तो आंसर आपको लिखना है बच्चों, इन दिस लेशन इट हैज़ बीन सेड अबाउट द कन्वर्सेशन ऑफ वाटर इट प्रेजेंट वाटर इज बिंग मिस्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इस तरीके से आपको लिखना है, इस जो है लेशन में पानी के बारे में जो है पानी के कन्वर्सेशन संरक्षण के बारे में कहा गया है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो है बहुत सारा मिसयूज़ हो रहा है, जगह जगह पर जो है पानी को मिसयूज़ किया जा रहा है। इस तरीके से आपको छठवें क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इसके बाद बच्चों आगे आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंसेस बोला गया है। आपको आपको 5 से 7 वाक्यों में इनके आंसर लिखने। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन सेविंग वाटर। सेविंग वाटर पे आपको पैराग्राफ लिखना है शॉर्ट में। तो बच्चों आंसर आपको लिखना है, देखिए, देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर। वाटर इज नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स बट फॉर द इंटायर इकोसिस्टम। एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। अबाउट 71% ऑफ अर्थ सर्व देखिए अर्थ आगे आपको लिखना है, सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। इस तरीके से आपको ये पूरा आंसर लिख लेना है। वीडियो को रोककर बच्चों आप पूरा इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे, तो आगे आपका छठवां असेसमेंट सीट 6 है आपका। बैकग्राउंड यदि नॉइज आ रहा है बच्चों तो उसको आपको अवॉइड करना है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए इसका पहला आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बोला गया है, जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स। आपको एक या
दो शब्दों में बच्चों इनके आंसर देने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड्स कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का आपको मीन्स यहाँ पर बताना है, तो बच्चों आपको लिखना है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपको लिख लेना है। इसके बाद बच्चों आपका देखिए आगे है, तो आगे आपको बोला गया शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और थ्री सेंटेंस, आपको एक से तीन सेंटेंस में इनके आंसर लिखने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू है आपका, राइट एनी थ्री वेज थ्रू विच वी कैन सेव वाटर, तो आप वाटर को किस प्रकार, आप पानी को किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई तीन उपाय या फिर वे लिखने हैं। तो देखिए आंसर में आपको लिखना है सबसे पहला शैम्पूइंग द हेयर एवरी डे कैन अवॉइड, जो जो हम रोज शैम्पू यूज करते हैं बालों के लिए उसको अवॉइड करना है। दूसरा कैन कीप द टेप टर्न्ड ऑफ वाइल ब्रशिंग टीथ, जब हम पानी जो ब्रश करते रहते हैं तो हमें जो है बंद कर देना है नल को। इसके बाद देखिए आगे आपका तीसरा यू कैन टेक अ बाथ विथ अ बकेट इंस्टेड ऑफ अ शोअर टब, इस तरीके से आपको शोअर टब की जगह पर हमें काय से नहाना है, बाल्टी से पानी लेके नहाना है, तो पानी हम जो संरक्षित कर सकते हैं। थ्री वे हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दिए, आप वीडियो को रोकर आंसर जो है पूरा लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपका देखिए आगे है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंस, आपको 5 से 7 से सेंटेंस में जो इनका आंसर देना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है मेंशन सम स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू कन्वर्स वाटर ऑन अर्थ। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको लिखना है 5 ways टू कन्वर्स वाटर, जिसमें पहला हो जाएगा प्रीफर टू यूज द सोवर नॉट ऑलवेज अ बाथ, दूसरा है वेन ब्रशिंग योर टीथ क्लोज द टैप। इसके बाद देखिए आगे आपका तीसरा है यूज द वाटरिंग कैन टू वाटर द प्लांट्स, इसके बाद बच्चों चौथा यूज द बकेट टू क्लीन द फ्लर्स, इसके बाद पांचवा है वेन सोपिंग इन द स्नोअर क्लोज द सोअर टेप। इस तरीके से आपको ये 5 वेज हमने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए, तो बच्चों वीडियो को रोककर ये पूरा आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट लेसन है, तो नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो को रोककर बच्चों पूरा आंसर लिख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।